हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा इंस्टीट्यूट, इट्स मी पुरुषोत्तम कुमार। दोस्तों, आज मैं आपके लेकर आ गया हूँ सेट नंबर 9 का अग्रवाल पब्लिकेशन क्लास 12th के लिए सेक्शन डी, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। लेकिन उससे पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। 40 शब्दों में हमें आंसर देना है। तो क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। व्हाई डिड द विलेज एल्डर ऑक्युपाई द बैक बेंचेस इन द क्लासरूम टू अटेंड द लास्ट लेसन डिलीवर्ड एम हेमल। तो यहाँ पर आपको आंसर इसका दिया गया है। आंसर है इसका दोस्तों, द विलेज एल्डर्स ऑक्युपाइड द बैक बेंचेस इन द क्लासरूम टू अटेंड द लास्ट लेसन डिलीवर्ड बाई एम हेमल बिकॉज दे फेल्ट सॉरी फॉर नॉट अटेंडिंग द स्कूल एवर। दे वॉन्टेड टू शो देयर सिंपथी एंड रिस्पेक्ट फॉर द टीचर्स एम हेमल द्वारा दिए गए अंतिम पाठ में भाग लेने के लिए गाँव के बुजुर्गों ने कक्षा में पिछली बेंचों पर कब्जा कर लिया, क्योंकि उन्हें कभी स्कूल नहीं जाने का दुख हुआ। वे शिक्षकों के प्रति अपनी सहानुभूति और सम्मान दिखाना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गार्बेज हैज़ टू डिफरेंट मीनिंग्स, वन फॉर द चिल्ड्रेन एंड अनदर फॉर द अडल्ट कमेंट। तो यहाँ पर कमेंट हमें करना है। स्मॉल चिल्ड्रेन लुक फॉर समथिंग वैल्यूबल इन हीप्स ऑफ गार्बेज। दे एक्सपेक्ट टू गेट सम कॉइन नॉट और अ वैल्यूबल थिंग इन इट। समटाइम्स दे फाइंड जस्ट 1 रुपीज और एट टाइम्स इवन अ 10 रुपीज नोट। दिस गिव्स देम अ होप टू फाइंड मोर। दस फॉर चिल्ड्रेन गार्बेज इज अ सोर्स ऑफ वंडर, फॉर एल्डर ऑन द अदर हैंड इट इज अ मीन ऑफ सर्वाइवल दे अर्न फ्रॉम इट। दस गार्बेज हैज़ टू डिफरेंट मीनिंग्स फॉर द चिल्ड्रेन एंड फॉर देयर पेरेंट्स। छोटे बच्चे कचरे के ढेर में कीमती चीज़ ढूंढते हैं, उन्हें इसमें कोई सिक्का नोट या कोई कीमती चीज़ मिलने की उम्मीद है। कभी 1 रुपया तो कभी 10 रुपये का भी नोट मिल जाता है, यह उन्हें और अधिक खोजने की आशा देता है। इस प्रकार बच्चों के लिए कचरा आश्चर्य का स्रोत है, दूसरी ओर बड़ों के लिए यह जीवित रहने का एक साधन है, वे इससे कमाते हैं। इस प्रकार बच्चों और उनके माता पिता के लिए कचरे के 2 अलग-अलग अर्थ हैं। बी नंबर क्वेश्चन दिया गया है, व्हाई डिड डगलस गो टू लेक वेंट फोर्थ इन न्यू हेमस्फायर हाउ डिड ही मेक हिज टेरर फ्लो। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर, डगलस वेंट टू लेक वेंट फोर्थ इन न्यू हेमस्फायर टू टेस्ट whether he still had any fear of water. He was not sure whether all the terror had left even after his vigorous swimming practice. Hence, he wanted to try out his swimming skills at Lake Wentworth. Douglas dived into the lake and only after swimming across the shore and back did he feel certain his terror of water had fled. Douglas knew Hampshire के Lake Wentworth में यह जांचने के लिए गए कि उन्हें अभी भी पानी का कोई डर है। उसे यकीन नहीं था कि उसके जोरदार तैराकी अभ्यास के बाद भी सारा आतंक छूट गया था या नहीं, इसीलिए वह Lake Wentworth में अपने तैराकी कौशल को आजमाना चाहते थे। डगलस ने झील में गोता लगाया और किनारे और पीछे तैरते के बाद ही उन्हें लगा कि पानी का उनका आतंक भाग गया है। ये क्वेश्चन आपको नहीं आने वाला तो इसको नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि डबल क्वेश्चन आ रहे हैं। 8 नंबर पे हम विजिट करते हैं। तो यहाँ पर आपको 80 शब्दों में आंसर देना है। चलिए क्वेश्चन हम देखते हैं, हाउ डिड द पेडलर फील्स आफ्टर रॉबिंग। तो क्रॉफ्टर्स तो क्रॉफ्ट मतलब पेडलर ने कैसा महसूस किया चोरी करने के बाद में। व्हाट कोर्स डिड ही अडॉप्ट एंड हाउ डिड ही रिएक्ट द न्यू सिचुएशंस। और कैसा जब उसने चोरी कर लिया, उसके बाद में उसको क्या फील हुआ और उसके बाद में उसने उसका रिएक्शन कैसा रहा, उसने कैसा प्रदर्शन किया। व्हाट इज़ द रिएक्शन रिवील्स, और क्या रिएक्शन उसका
उभर कर आया वो बताना है। तो यहाँ पर आपका इसका आंसर है, इमीडिएटली आफ्टर रॉबिंग द कोबलर द पेडलर वॉज वेरी प्लीज्ड विद हिज ओन स्मार्टनेस, ही मेड हिज एस्केप थ्रू द फॉरेस्ट फॉर ही डेयर्ड नॉट टेक द पब्लिक हाईवे, हाउएवर ही सून गॉट लॉस्ट इन द वुड्स एंड रियलाइज्ड दैट ही हैड बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम एरिया। लेफ्ट इन डिस्पेयर ही रिकलेक्टेड हिज ऑन थॉट ऑन द वर्ल्ड बींग अ गेंट रेट ट्रैप। अ सडन रियलाइजेशन केम टू हिम दैट ही हैड फाइनली गॉट हिमसेल्फ कॉट इन द रेट ट्रैप बिकॉज ही अलाउड हिम टू बी टेम्प्टेड बाई द बैट द 30 crore बिल। दिस रिवील्स दैट द रेड ट्रैप पेडलर वॉज नॉट अ डाउन राइट एविल करेक्टर, ही वॉज अ विक्टिम ऑफ हिज सिचुएशन, हिज कॉन्सेंस वॉज नॉट डेड एज एट ही हैड टू रिसोर्ट टू बिगरी एंड स्टीलिंग बिकॉज हिज बिजनेस वॉज नॉट प्रोफिटेबल इनफ टू मेक बॉथ एंड मीट हिज कंडीशन ऑफ पेनोरी, डज नॉट अलाउ हिम टू बी फुली राइटर्स। तो मोची को लूटने के तुरंत बाद पेडलर अपने आप से बहुत खुश हुआ। चतुराई वह जंगल के रास्ते भाग गया क्योंकि उसने सार्वजनिक राजमार्ग पर जाने की हिम्मत नहीं की। हालांकि वह जल्द ही जंगल में खो गया और महसूस किया कि वह घूम रहा था। उसी क्षेत्र में निराशा में छोड़े गए उन्होंने दुनिया के बारे में अपने विचारों को याद किया। विशाल चूहा उसे अचानक एहसास हुआ कि उसने आखिरकार खुद को पकड़ लिया है रेड ट्रैप, क्योंकि उसने खुद को चारा 30 crore बिल से लुभाने की अनुमति दी थी। इससे पता चलता है कि रेड ट्रैप पेडलर एक सर्वथा दुष्ट चरित्र नहीं था, वह एक शिकार था। उसकी स्थिति का उसकी अंतरात्मा अभी मरी नहीं थी। उन्हें भिक्षावृत्ति का सहारा लेना पड़ा और चोरी करना, क्योंकि उसका व्यवसाय इतना लाभदायक नहीं था कि दोनों सिरों को पूरा कर सके। उसके दरिद्रता की स्थिति उसे पूर्ण रूप से धर्मी नहीं होने देती। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर आपका दिया गया गांधी जी वाला, तो यहाँ पर है हाउ डिड गांधी जी यूज सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस एंड चंपारण टू अचीव हिज गोल। तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने सत्य अहिंसा को अपनाया और किस तरह से सत्याग्रह आंदोलन में उन्होंने उसको प्रयोग किया, उसके बारे में हमें जानना है। इन अप्रैल 1917 गांधी जी रीच चंपारण एंड बिगन इंक्वायरी अबाउट द एक्सप्लोइटेटिव इंडिगो शेयर क्रॉपिंग सिस्टम। व्हेन गांधी जी फेल्ड टू गेट एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द पोजिशन ऑफ पीजेंट इन द शेयर क्रॉपिंग एंड अरेंजमेंट फ्रॉम ब्रिटिश ऑफिशियल, ही डिसाइडेड टू टेक अप रेजिडेंस इन मोतिहारी टू इंक्वायर फर्दर। ड्यूरिंग हिज स्टे इन मोतिहारी गांधी जी वॉज सर्व्ड अ नोटिस टू लीव चंपारण, हाउएवर गांधी जी रिफ्यूज टू कंप्लाई विद द ऑर्डर एंड वॉज समनेड टू कोर्ट। हेयरिंग दिस द पीजेंट फ्रॉम चंपारण गैदर्ड इन मोतिहारी टू शो देयर सपोर्ट फॉर गांधी जी इंस्टीड ऑफ आस्किंग पीपल टू रिवोल्ट, गांधी जी हेल्प्ड द ऑफिशियल्स कंट्रोल द क्राउड इन कोर्ट ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स। गांधी जी रिफ्यूज्ड टू लीव चंपारण, द कोर्ट फेल्ड इन मेकिंग गांधी जी बजेस फ्रॉम हिज डिसीजन एंड ही वॉज रिलीज्ड सेवरल डेज लेटर। द केस अगेंस्ट गांधी जी वॉज ड्रॉपड। गांधी जी रिफ्यूजल टू अबाइड बाई द ब्रिटिश ऑर्डर टू लीव चंपारण हेल्प्ड फार्मर्स गेट अ रिफंड फ्रॉम लैंडलॉर्ड। दिस इंसिडेंट टॉट द पीपल ऑफ
चंपारण दैट इन ऑर्डर टू कन्वे देयर मैसेज टू द ऑपरेशंस वन नीड नॉट रिसोर्ट टू वायलेंस ही टॉट पीपल दैट जस्टिस कैन बी ओन बाई फॉलोइंग द पैथ ऑफ नॉन वायलेंस एंड डिसोबेइंग अदर्स दैट दे बिलीव आर रॉन्ग। अप्रैल 1917 में गांधी जी चंपारण पहुँचे और शोषक नील बटाईदार प्रणाली के बारे में पूछताछ करने लगे। जब गांधी जी ब्रिटिश अधिकारियों से बटाईदारी व्यवस्था में किसानों की स्थिति के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करने में विफल रहे तो उन्होंने आगे की पूछताछ के लिए मोतिहारी में निवास करने का फैसला किया। मोतिहारी में अपने प्रवास के दौरान गांधी जी को चंपारण छोड़ने का नोटिस दिया गया था, हालांकि गांधी जी ने आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया और उन्हें अदालत में बुलाया गया। यह सुनकर चंपारण के किसान गांधी जी के प्रति अपना समर्थन दिखाने के लिए मोतिहारी में एकत्र हुए लोगों को विद्रोह करने के लिए कहने के बजाय गांधी जी ने अधिकारियों को भीड़ को नियंत्रित करने में मदद की। अदालत में मानवीय आधार पर गांधी जी ने चंपारण छोड़ने से इनकार कर दिया। अदालत गांधी जी को उनके फैसले से विचलित करने में विफल रही और उन्हें रिहा कर दिया गया। कई दिनों बाद गांधी जी के खिलाफ मामला हटा दिया गया था। चंपारण छोड़ने के ब्रिटिश आदेश का पालन करने से गांधी जी ने इनकार कर दिया। जमींदारों ने धन वापसी प्राप्त करने में मदद की। इस घटना ने चंपारण के लोगों को सिखाया कि उत्पीड़न को अपना संदेश देने के लिए हिंसा का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें लोगों को सिखाया कि अहिंसा के मार्ग पर चलकर और उन आदेशों की अवहेलना करके न्याय जीता जा सकता है जिन्हें वे गलत मानते हैं। अब यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर में आपको एक पोएम दी गई है, उसको रीड करना है, उसके बाद में उसके नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर देने। तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस आंसर करवा रहा हूँ। व्हाट इज देयर स्लैग हीप? तो यहाँ पर स्लैग हीप क्या है? तो देयर स्लैग हीप रेफर्स टू द हैंगर स्ट्रिकन थिन बॉडी ऑफ द चिल्ड्रेन विच लुक्स लाइक हीप्स ऑफ गार्बेज। उसके स्लैग के ढेर से तात्पर्य बच्चों के भूख से त्रस्त पतले शरीर से है जो कचरे के ढेर की तरह दिखते हैं। व्हाट डज विद मेंडेड ग्लास मींस? तो यहाँ पर मेंडेड ग्लास मींस का मतलब क्या होता है वो बताना है। मेंडेड ग्लास मींस ब्रोकन स्पेक्चल्स, दिस शोज देयर पॉवर्टी एंड इनएबिलिटी टू बाई न्यू ग्लासेस। मेंडल्स ग्लास का अर्थ है टूटा हुआ चश्मा। यह उनकी गरीबी और नया चश्मा खरीदने में असमर्थता को दर्शाता है। आइडेंटिफाई पोएटिक डिवाइस यूज इन लाइक बॉटल्स बिट ऑन स्टोन्स। तो यहाँ पर एलिट्रेशन आपका होगा। नेक्स्ट है आपके पोएम फिर से दी गई है, तो इसको रीड करना है, उसके बाद में इसके नीचे दिए गए आंसर करना है। तो मैं डायरेक्टली आंसर पे ही ले चलता हूँ आपको। वॉट कैन अर्थ टीचर्स? तो पृथ्वी हमें क्या सिखाती है, क्या सिखा सकती है? द अर्थ टीच अस हाउ टू नेचर लाइफ अंडर अपेरेंट क्वेंटिट्यूड एंड हाउ टू वर्क साइलेंटली। इट्स टीच अस टू इम्पोर्टेंस ऑफ समटाइम्स टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज। पृथ्वी हमें सिखाती है कि कैसे स्पष्ट शांति के तहत जीवन को पोषण करना है और कैसे चुपचाप काम करना है। यह हमें कभी कभी सभी गतिविधियों से ब्रेक लेने का महत्व सिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट काउंट अप टू 12? तो 12 वो क्यों गिनता है, 12 तक क्यों वो काउंटिंग क्यों करता है? तो द पोएट इन द पोएम कीपिंग क्वाइट काउंट्स अप टू 12 बिकॉज दिस स्पैन ऑफ टाइम वुड इनेबल एवरी वन टू कम डाउन एंड बी रेडी फॉर इंट्रोस्पेक्शंस। चुप रहना कविता में कभी 12 तक गिना जाता है, मतलब 12 तक गिनता है, क्योंकि समय की यह अवधि सभी को शांत करने और आत्मनिरीक्षण के लिए तैयार होने में सक्षम बनाती है। सी नंबर है, आइडेंटिफाई पोएटिक डिवाइस यूज इन द लाइन अर्थ कैन टीच अस एज वेन एवरीथिंग। पर्सोनिफिकेशन है इसमें आपका, दिस इज वेन एन एनिमेट ऑब्जेक्ट एनिमल इन दिस केस अर्थ आर गिवन ह्यूमन लाइक एट्रीब्यूट्स लाइक टीचिंग। व्यक्तिकरण है, इसीलिए यहाँ पर आपका पर्सोनिफिकेशन होगा। यहाँ पर अर्थ को एक व्यक्ति का रूप दिया जा रहा है। सेंट्रल आइडिया करनी है तो यहाँ पर कीपिंग क्वाइट की आपको सेंट्रल आइडिया आपको करवा रहे हैं।
The central idea of the poem Keeping Quiet is to keep silence for a moment and do nothing, instead introspect ourselves and understand what we are doing. Their poet asks us to stop wars, hate, population killings of animals and hurting ourselves, and spare sometimes to go deep into the soul. See, silence is the universal language, and hence as there will be no language barrier, we are will be one. We won't have greed and hate. There will be unity and fraternity. The poet believes this silent will change our perspective and thinking, because it does not mean inactivity but patience like the nature. चुप रहना कविता का केंद्रीय विचार यह, एक पल के लिए मौन रखना और कुछ ना करना, इसके बजाय अपने आप को आत्मनिरीक्षण करें और समझें कि हम क्या कर रहे हैं। कभी अपने युद्ध, घृणा, प्रदूषण, जानवरों की हत्या और खुद को चोट पहुंचाने से रोकने और आत्मा में गहराई तक जाने के लिए कुछ समय निकालने के लिए कहता है। मौन सार्वभौमिक भाषा है और इसीलिए कोई भाषा बाधा नहीं होगी। हम सभी एक होंगे, हमारे पास लालच और नफरत नहीं होगी, एकता और भाईचारा रहेगा। कभी का मानना है कि यह मौन हमारे दृष्टिकोण और सोच को बदल देगा, क्योंकि इसका मतलब निष्क्रियता नहीं बल्कि प्रकृति की तरह धैर्य है। अब यहाँ पर आपका बी नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पर बी नंबर सी नंबर दिए गए हैं, तो इसमें से मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ, एक का ही सेंट्रल आइडिया करवाना था। 11 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आपका दिया गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 40 वर्ड्स में, तो आपको 40 वर्ड्स में क्वेश्चन के आंसर देने हैं। क्वेश्चन है, व्हाई डिड महाराजा हैव टू पे अ बिल फॉर 3 लाख रुपीज। महाराजा को 3 लाख रुपए मतलब 3 लाख रुपए बिल क्यों पे करना पड़ा टू ब्रिटिश जेलर्स। तो ब्रिटिश जेलर को उसको 3 लाख रुपए क्यों देना पड़ा। यहाँ पर जेलर का ज्वेलर्स हो गया है, तो जेलर कर लेना, ठीक है। ज्वेलर्स स्पेलिंग थोड़ा डिफरेंट है, ही या यहाँ पर महाराजा, द महाराजा यहाँ पर ही की जगह पर द कर लेना। द महाराजा हैड टू पे अ बिल ऑफ 3 लाख रुपीज टू द ब्रिटिश ज्वेलर्स एज ही हैड ब्रॉट सैंपल्स ऑफ 50 diamond rings फ्रॉम देम टू गिफ्ट द दुराइसानी। ही हैड डन दिस टू अपीज द ब्रिटिश ऑफिसर हुम ही हैड रिफ्यूज परमिशन फॉर टाइगर हंटिंग। महाराजा को ब्रिटिश ज्वेलर्स को 3 लाख रुपए का बिल देना पड़ा क्योंकि उन्होंने दुराइसानी को उपहार में देने के लिए उनसे 50 हीरे की अंगूठियों के नमूने खरीदे थे। उसने ब्रिटिश अधिकारी को खुश करने के लिए ऐसा किया था, जिससे उसने बाघ के शिकार की अनुमति देने से मना कर दिया। और करके क्वेश्चन दिया गया वो नहीं करवा रहा हूँ आपको। बी नंबर क्वेश्चन पे विजिट करते हैं, व्हाई वाज मिस्टर सडाउ नॉट सेंट अब्रॉड अलोंग विद द ट्रॉप्स। तो मिस्टर डॉक्टर जो सडाउ थे, उन्होंने अब्रॉड भेजने से मना क्यों कर दिया उसके साथ में ट्रॉप्स को, तो उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो इसका आंसर जो है वो क्या है, ही हैड मास्टर्ड द आर्ट ऑफ हीलिंग वाउंड द ओल्ड जनरल ऑफ जापान हैड फुल फैथ इन हीज एबिलिटी एज अ सर्जन। ही डिड नॉट बिलीव एनी अदर डॉक्टर, ही वॉज नॉट कीपिंग गुड हेल्थ एंड could require a surgery any time, so Sadao was not sent with the troops abroad. घावों को भरने की कला में उन्हें महारत हासिल थी। जापान के पुराने जनरल को एक सर्जन के रूप में अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा था। वह किसी अन्य डॉक्टर पर विश्वास नहीं करता था। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था और उन्हें किसी भी सर्जरी की आवश्यकता हो सकती थी, इसीलिए सदाओ को विदेश में सैनिक के साथ नहीं भेजा गया था।
आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। यहाँ पर आपके जो 12 नंबर क्वेश्चन है इसके मैं नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि इसका पहले से ही मैंने सोल्यूशन दे रखा है पहले एंसॉल में, तो रिपीट नहीं कर रहा हूँ। आई होप दिस क्लास आपको ये क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।